सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हेल्थी इंडिया को और साथ में बेल का आइकॉन भी दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामदेव और स्वागत है आपका रोग ज्ञान के एक नए एपिसोड में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कब्ज के बारे में, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के बारे में। कब्ज एक बेहद आम बीमारी बन चुकी है और मल त्याग एक प्राकृतिक क्रिया है, लेकिन मल त्याग करने में अगर आपको परेशानी आती है तो उस समस्या को कब्ज कहते हैं। अनियमित खानपान और गलत जीवन शैली के कारण ये बीमारी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर यहाँ पर बात करें कब्ज क्या है, तो कब्ज का अर्थ बहुत कड़ा मल या फिर मल त्याग करने में कठिनाई होती है। अगर भोजन में फाइबर या पानी की मात्रा कम हो तो आंतों में भोजन धीरे धीरे खिसकता है और बड़ी आंत उसमें से पानी सोखती रहती है, जिसके कारण वह धीरे धीरे कड़ा हो जाता है और मल त्याग करने में दिक्कत होती है। अगर यहाँ पर बात करें कब्ज के लक्षण की, तो अगर आपको ऐठन हो या पेट दर्द हो या फिर पेट फूल जाए या मतली हो, ऐसा महसूस हो कि आपकी आंतड़ियाँ पूरी तरह से खाली नहीं हुई हो और मल त्याग करने के लिए जोर लगाना पड़ता है, तो आपको कब्ज है। इसके अलावा पेट फूल जाना या एसिडिटी होना या पेट में गैस होना, वो भी कब्ज के लक्षण होते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कब्ज के कारण की, तो ऐसे आहार जिनमें चर्बी और शक्कर ज़्यादा हो वैसे आहार लेते हो तो कब्ज हो सकता है। अगर आप फाइबर कम मात्रा में लेते हो तो भी कब्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप तरल पदार्थ जो हैं वो पूर्ति मात्रा में नहीं लेते हो तो भी आपको कब्ज हो सकता है। जैसे कि आमतौर पर सलाह दी जाती है कि कब्ज के दौरान आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए, तो अगर आप वो नहीं पीते हो तो भी कब्ज हो सकता है। इसके अलावा अगर आप निष्क्रिय रहते हो, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो, तो भी आपको कब्ज हो सकता है। और इसके अलावा जब आपको मल त्याग की इच्छा हो तब शौचालय न जाएं, तो भी आपको कब्ज हो सकता है। तो ये जो सारे कारण हैं वो कब्ज होने के कारण हो सकते हैं। अगर यहाँ पर बात करें कब्ज के ट्रीटमेंट की, तो कब्ज को दूर करने का सबसे उपयोगी उपाय है अधिक मात्रा में पानी पीना और खाने में फाइबर को शामिल करना, ताकि आपकी जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। इसके अलावा दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी पीना चाहिए। गुनगुने या गर्म पानी से आपकी आंतों को आसानी से काम करने में मदद मिलती है। कच्ची सब्जियां, ताजे या सूखे हुए फल, सूखा मेवा और पॉपकॉर्न जैसी अधिक रेसे वाली चीज़ें खाइए, तो इससे जो आपको अच्छी मात्रा में फाइबर मिलेगा और वो जो है मल को निकालने में बहुत ही हेल्पफुल होगा। अगर आपका मल सख्त आता है तो उसके लिए आलू बुखारे या सेब का रस पीजिए और अपनी आंतों को ठीक से काम करने में मदद के लिए आप कसरत भी कीजिए। अगर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो आपको कब्ज कभी भी नहीं होगा। इसके अलावा पैदल चलने से भी लाभ होता है। जब आपको मल त्याग करने की इच्छा हो तो शौचालय भी अवश्य जाइए, ताकि जो आपका मल है वो अंदर सूख न जाए। अगर यहाँ पर बात करें कब्ज को मिटाने के लिए घरेलू उपाय की, तो एक चुटकी काला नमक गुनगुने पानी में डालें और उसे सुबह खाली पेट पिए। इस पानी को पीने के बाद आप 15 मिनट तक वॉकिंग करें और उसके बाद जो है आप शौचालय जाए, तो इससे आपको कब्ज में बहुत हद तक आराम मिलता है। अपने भोजन में मोटे अनाज का समावेश करें। मौसम के अनुसार उपलब्ध सलाद को शामिल करने से कब्ज और पेट की दूसरी तमाम समस्याओं को स्थायी रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। अलसी के बीज का सेवन भी कब्ज से आराम दिलाता है। अलसी के बीज को सुबह कॉर्नफ्लेक्स के साथ मिलाकर खा सकते हैं, या फिर मुट्ठी भर अलसी के बीज को गर्म पानी के साथ सुबह में खा सकते हैं, तो इससे जो है आपको कितना भी पुराना कब्ज है उसमें छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप किशमिश का भी उपयोग कर सकते हैं। किशमिश में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है और वो जो है प्राकृतिक जुलाब की तरह काम करती है, तो आप किशमिश को भी ले सकते हैं। 10 से 12 किशमिश को रात में पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट खाएं। अगर आप प्रेग्नेंट महिला हैं तो अक्सर कब्ज की शिकायत रहती होगी, तो गर्भवती महिलाओं के लिए ये एक बहुत ही लाभकारी उपाय है और उनको इससे कब्ज नहीं रहता है। इसके अलावा अमरूद भी कब्ज में बहुत राहत पहुँचाता है। इसके गुद्दे और बीज में फाइबर की उचित मात्रा होती है और इसके सेवन से खाना जल्दी पच जाता है और एसिडिटी भी नहीं रहती है। इसके अलावा अगर आपके पेट भारीपन रहता है तो भी ये उसको हल्का करता है, और आपको किसी भी तरह का कब्ज है, चाहे वो पुराना कब्ज हो, तो वो उसको जड़ से मिटाता है। ये तो थी होम टिप्स कब्ज को दूर करने के लिए घर पे। अगर आप चाहते हैं कि आप मेडिसिन लेना चाहते हैं तो आप त्रिफला टेबलेट लीजिए। इसके अलावा अगर आप फाइबर सप्लीमेंट्स लेते हैं तो भी आपको कब्ज नहीं रहता है। इसके अलावा भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं जो आपके कब्ज को जड़ से मिटा सकते हैं या फिर उनमें राहत दिला सकते हैं, तो अगर आप उन्हें खरीदना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप उसे वहां से खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस यही था आज का हमारा वीडियो कॉन्स्टिपेशन के बारे में। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए
और अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरे इस YouTube चैनल को तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं रोजाना ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।